हां जी, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं। सबसे पहले यार दिल से थैंक यू इस जो ट्यूसडे वाले सेक्शन को एक बहुत ही अच्छा हिट बनाने के लिए। आपके सपोर्ट से टेलको ट्यूसडे काफी अच्छा हमारा सेगमेंट सेट हो गया है। और इसी के साथ आज की जो पहली अपडेट है वो है ट्राई की तरफ से। ट्राई को आज इंडिया में 25 साल कंप्लीट हो गए हैं और हमारे मोदी जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोला है कि ट्राई एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एक्टिवली वर्क कर रही है हमारे टेलीकॉम सेक्टर में। इवन 5G में भी ना बहुत अच्छे इनपुट्स लेके आ रही है ट्राई और टेलको ऑपरेटर्स को अच्छी तरह सपोर्ट भी कर रही है। 2G का जो टाइम था उसको एक पॉलिसी पैरालिसिस और करप्शन वाला एरर बताया था, लेकिन उसके बाद 4G में जो ट्रांजिशन हुई वो काफी सीमलेस और ट्रांसपेरेंट थी। और अब 5G से बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी, बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, जैसे कि हमारा हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गए, सब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लेंगे। एक कमेंट 6G के ऊपर भी करा कि इस डेकेड के खत्म होने से पहले, मतलब 2028-30 के आसपास में 6G भी लॉन्च हो जाएगा, और अभी से ही एक टास्क फोर्स अलॉट कर दी गई है 6G के ऊपर वर्क करने के लिए। तो भाई जो लोगों को लग रहा था ना कि 6G हो सकता है 2-3 सालों में आ जाए, तो एक हिंट मिल गया है हमको गवर्नमेंट की तरफ से कि 6G आ जाएगा, लेकिन 2028-30 के आसपास। अब 6G की बात चल रही है तो अगला अपडेट भी 6G के बारे में ही बता देता हूँ। सैमसंग ने एक अपना वाइट पेपर रिलीज किया है जिसमें 6G का मेंशन किया है। वहाँ पे लिखा है 6G स्पेक्ट्रम एक्सपैंडिंग द फ्रंटियर, जिसमें उन्होंने रिवील किया कि 6G जो है वो 5G से 50x तक फास्टर रहेगा एंड जो स्पीड्स हैं वो 1 TBPS तक जाने वाली है। मतलब सोच पा रहे हो, आंख झपकते ही सब काम ऐसे ही हो जाएंगे। और आज की डेट में अगर इंडियन कंज्यूमर का डेटा यूसेज देखो तो क्लोज टू 14 GB पर डे पे पहुंच गया है, और अगर 1 TB पर सेकंड की स्पीड मिलने लग गई तो 14 GB कुछ 2 या 3 सेकंड के अंदर खाली हो जाएगा। 4K और 8K वाली स्ट्रीमिंग्स तो ऐसे हो जाएंगी जैसे आज की डेट में 144p का यूट्यूब चलता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि भाई जो 1 TBPS की स्पीड हमको मिलेगी तो हमारा जो हार्डवेयर है वो भी 1 TB सपोर्ट करना चाहिए। उतनी स्पीड सपोर्ट करेगा तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे अपने डेटा डाउनलोड और अपलोड में। वही रीड और राइट वाला सिस्टम होता है, रीड तो कर लेगा इतनी स्पीड, लेकिन राइट करने के लिए भी तो हार्डवेयर सपोर्ट करना चाहिए। अभी हार्डवेयर वाले सेगमेंट में सैमसंग अपनी पूरी फुल फ्लेजेड R&D स्टार्ट कर दी है। अगली अपडेट टेलको से हल्की सी हटके है लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है एप्पल के ऊपर। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें एप्पल के टाइप सी कनेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। एप्पल अपने फोन्स में टाइप सी कनेक्टर नहीं देता, लेकिन यूरोपियन लॉज की वजह से अब एप्पल काम कर रहा है अपने आईफोन्स में टाइप सी कनेक्टर लगाने का। पहले इशू ये बताया जा रहा था कि लाइटनिंग कनेक्टर और एसेसरीज का बहुत बड़ा इशू आ जाएगा, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि अब एप्पल उसके लिए एक छोटा सा कन्वर्टर बना देगा और वो फिर साथ में बेचेगा। लेकिन एक बात काफी बढ़िया हो जाएगी कि अगर आईफोन्स में टाइप सी का कनेक्टर आ गया तो जो चार्जिंग की स्पीड्स का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड देख रहे हो, मतलब 140 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट कहाँ कहाँ पहुंच गया है, एप्पल अभी 20 पे अटका हुआ है। अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि आता है BSNL की तरफ से, और ये है 5G को लेके। अब सारे ही जो बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना वो अपने 5G जो है वो 2022 इसी साल में लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन BSNL भले ही 5G के ऊपर वर्क कर रहा था 4G के साथ साथ, लेकिन लॉन्च करने में थोड़ा डिले होगा। 2023 में BSNL का 5G हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4G की तरह ही 5G भी जो BSNL है वो एक स्टैंड अलोन अपना इंडियन मेड वर्जन 5G का लॉन्च करेगा। 5G भी होममेड ही BSNL लाएगा। अब 4G कोर के ऊपर ही 5G को बनाने वाले हैं, मतलब NSA नॉन स्टैंड अलोन वाला 5G यहाँ पे लेके आएगा BSNL, और ये एक अच्छा पॉइंट है। अब अगर आपको नहीं पता कि स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन में क्या डिफरेंसेस होता है ये 4G 5G में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बेसिकली अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि BSNL के 4G के ऊपर एक 5G की लेयर चढ़ा देगा और अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर देगा, जिससे 5G जितनी पीक स्पीड तो नहीं मिलेंगी लेकिन बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अब BSNL के बारे में बात कर रहे हैं तो अगली अपडेट भी BSNL को ले गया है। यहाँ पे एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है BSNL ने, जो कि 87 रुपीज का आता है, जिसमें हमको 1 GB डेटा मिलता है डेली, वो भी 14 दिनों के लिए। अब 87 रुपीज में 14 दिन 1 GB डेटा काफी सही लग रहा है। अगर पर डे की प्राइसिंग देखो, पर GB की प्राइसिंग देखो, तो कुछ 6 रुपए 20-21 पैसे के आसपास आती है। अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे नेटवर्क से, जियो या
एयरटेल या वी से वो कुछ ऐसे चल रही है 10-11 रुपए जीबी के आसपास पड़ता है। तो अब अगेन फिर बात वही है, सस्ता तो पड़ रहा है लेकिन पैन इंडिया 4G की इतनी स्पीड आती नहीं है BSNL की, अभी इवन लॉन्च ही नहीं हुआ है इतने सारे स्टेट्स में। तो लेकिन ठीक है, अगर आप ऑलरेडी BSNL यूज कर रहे हो तो ये एक टॉपअप के हिसाब से अच्छा प्लान हो सकता है डेटा के लिए। अगली अपडेट काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की है जो कि वी की तरफ से है कि इनका सब्सक्राइबर बेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, कम कर देना सब्सक्राइब अगर नहीं करा हो तो। वोडाफोन आइडिया लास्ट 3 quarters से कंटिन्यूसली सब्स ऐड पे ऐड कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट लॉन्च करी जिसमें बताया कि Q1 में 112.9 मिलियन सब्स ऐड किए, Q2 में 116.2 मिलियन सब्स एंड Q3 में 117 मिलियन सब्स। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये, इससे ये पता चलता है कि इंडिया की पब्लिक अब जो है वी की तरफ बढ़िया प्यार दिखा रही है कि भाई ठीक है, स्पीड भी अच्छी मिल रही है, प्लान्स भी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, तो क्यों ना वी के साथ ही जाया जाए। आप कौन सा यूज़ करते हो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। वी की स्पीड्स मैंने सुना है बहुत अच्छी आती हैं, अब तो जियो की भी अच्छी हो गई है वैसे। तो ये कुछ था आज के इस पूरे टेलको अपडेट्स के एपिसोड में। अच्छी लगी हो वीडियो तो बताना नीचे कमेंट करके। और हाँ, नए ब्लॉकचेन कंटेंट P2E NFT प्रोजेक्ट्स के जैसे कंटेंट के लिए नया चैनल हमने बनाया हुआ है NFTified, नहीं देखा हो तो जाके चेकआउट कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां पे लाते जा रहे हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।